नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाड़ी और सिलसिला बाजारों का मैं चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। अब बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे रूपा जी से कि एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा रह सकता है, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोयाबीन से। रूपा जी, यूएस सोयाबीन की बात करें तो यूएस सोयाबीन देख रहे हैं कि लगातार तेजी की ही हो रहा है। दो हफ्ते पहले 1600 डॉलर के रेंज में कारोबार कर रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि 1767 डॉलर तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी लाल निशान पर है, लेकिन कल के कारोबारी सत्र में हमने इसको काफी अच्छी ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करते देखा था। 18 डॉलर पर बुशल के हिसाब से जो प्राइसेस थे सोयाबीन के देखने को मिले थे, जो कि 2012 के हाई के करीब है। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, विदेशों में जो सोयाबीन की जबरदस्त मांग बनी हुई है, जोरदार उछाल सोयाबीन में देखने को मिल रहा है, तो इसका सपोर्ट कहीं ना कहीं भारत में भी पड़ेगा, तो भारत में सोयाबीन की कीमतों पर कितना असर पड़ेगा, और किसानों के लिए अभी क्या होल्ड करना सही रहेगा? देखिए, एडिबल ऑयल पैक के अंदर बहुत ज्यादा तो तेजी अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ, विदेशी बाजार नो डाउट तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ बाजार थोड़ा सा सुस्ती के साथ है, बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, अभी काफी चीजों के प्राइजेस जो है वो एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं नो डाउट, लेकिन अभी यहाँ पर प्राइजेस जो है सस्टेन हो सकते हैं। मैंने पहले भी जैसे कि बताया था कि अगर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी तो यहाँ से तेजी के भी आसार काफी कम नजर आ रहे हैं, तो बाजार जो है इन्हीं रेंज में सस्टेन हो सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर तेजी बनती है तो किसानों को वहां पर एग्जिट लेना चाहिए। मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल पैक आगे चलकर लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, कॉटन की बात की जाए तो कॉटन में क्या लग रहा है, क्योंकि कॉटन की सोइंग के तो जितने भी अभी तक खबरें आ रही हैं वो पॉजिटिव ही हैं कि जो एकरेज है, जो रकबा है कॉटन का ज्यादा बढ़ेगा, विदेशों में भी कॉटन की बुवाई ज्यादा की जाएगी, फर्टिलाइजर की भी किल्लत है, तो जो ज्यादातर फार्मर्स हैं विदेशों में भी कॉटन की ओर शिफ्ट होते नजर आएंगे फर्टिलाइजर की किल्लत के भी चलते। तो ऐसे में अब कॉटन के जो प्राइजेस हैं वो आगे ज्यादा डिमांड की वजह से रकबा ज्यादा रहने के बावजूद ज्यादा बढ़े रहेंगे, या फिर रकबा ज्यादा रहने की वजह से कम हो जाएगी प्राइसेस? देखिए, अभी आगे चलकर अभी देखिए एग्री कमोडिटीज के अंदर ग्रोथ कैसी आएगी उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, इस जो सोइंग का डाटा है वो जरूर नो डाउट अभी बढ़कर आ रहे हैं कि सोइंग अच्छी हो रही है, लेकिन आप देखिए कॉटन और कॉटन यार्न के प्राइसेस लगातार लुढ़कते दिखाई दिए हैं ऊपरी स्तरों से, क्योंकि इन लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो पीक लेवल पर पहुंच चुका है, वहां से डिमांड नहीं निकली और बाजारों में लगातार जो है वो प्राइसेस गिरते हुए दिखाई दिए हैं और इम्पोर्ट्स भी गिरे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है वो डाउनसाइड में ही रह सकते हैं। कॉटन में अभी फिलहाल तेजी नहीं खेलना चाहिए, और अभी जिनके पास माल रखा है अभी जो भी बाउंस मिलता है उस बाउंस में एग्जिट करने की ही सजेशन रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे चलकर कॉटन के अंदर दबाव बना रह सकता है। नेक्स्ट सीजन कैसा रहेगा ये क्रॉप आने पर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो डाउनसाइड रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो हमने यहाँ पे जीरा और धनिया के एक्सपोर्ट में गिरावट आते हुए देखी काफी ज्यादा, भले ही यहाँ पे सोइंग कम बताई जा रही हो, प्रोडक्शन कम बताया जा रहा हो, लेकिन रूपा जी एक्सपोर्ट भी कम ही देखने को मिल रहा है। दूसरा, हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की आवकों में कुछ नरमी आई है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, अब क्या मसालों में आगे जाके कुछ तेजी देखने को मिल पाएगी, क्या एक दो महीने के दौरान का अगर आउटलुक लिया जाए तो क्या दो महीनों के अंदर अंदर मसालों में कुछ अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है मसालों में तेजी बन सकती है। अभी भी जो बाजार है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि साइडवेज है, एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, मूवमेंट नहीं है मार्केट के अंदर। एक दिन थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है तो नेक्स्ट थोड़ा सा करेक्शन में चला जाता है, सभी मसालों में हम ऐसे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सस्टेनेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है इन लेवल्स के ऊपर। आप देखेंगे लेवल को होल्ड किए हुए हैं मार्केट, हल्दी जैसे 8000 के लेवल को होल्ड किए हुए हैं। हम जुलाई वायदा की यहाँ पर बात करें तो हल्दी में 8000 का लेवल जो है काफी लंबे अरसे से होल्ड पे है, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट 8000 से 8200 के बीच में घूम रहा है, तो यहाँ से गिरावट नहीं है, आगे चलकर तेजी का ही रुझान है। सेम एज इट इज जीरा भी 20000 से 21000 के घरों में कारोबार कर रहा है, और धनिया को भी आप देखेंगे तो 11000 के ऊपर सस्टेन है मार्केट। तो टेक्निकली अब मार्केट और चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, और फंडामेंटल भी जिस तरीके से पॉजिटिव है, काफी क्रॉप डैमेज की खबरें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मसालों में यहाँ पर फिलहाल गिरावट बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी,
रुपए जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि प्राइसेस लोअर लेवल से थोड़े रिवाइव हुए हैं, थोड़ी लो लेवल बाइंग निकली है, लेकिन ज्यादा भी नहीं निकली है, निचले स्तर पर सपोर्ट जरूर मिलता नजर आया है ग्वार कॉम्प्लेक्स को लेकर। वहीं दूसरी तरफ कच्चा तेल भी देख रहे हैं बढ़त की ओर है, जैसा आपने अभी बताया था। तो आपको क्या लगता है ग्वार गम और ग्वार सीड में अच्छी तेजी कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड में अभी तेजी जो है वो रुक गई है, कहीं ना कहीं लेवल के ऊपर बाइंग नहीं निकल रही है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि प्राइसेस होल्ड हो रहे हैं ऊपरी स्तरों पर, लेकिन यहाँ पर बाइंग नहीं है। गम हम पॉजिटिव देख रहे हैं, सीड देखिए अगेन 6000 तक मैक्सिमम तेजी में जा सकता है, लेकिन गम अच्छा लग रहा है। यहाँ से गम में हो सकता है कि 12000 के आसपास एक चीज आते हुए दिखाई दे, लेकिन टाइम लग सकता है मार्केट को उठने में। और अभी जो है प्राइसेस एक रेंज में है, तो ये रेंज अभी में मुझे लगता है कि इसी रेंज में रहेगा कुछ टाइम तक, मार्केट 10 से 15 दिनों तक, और हो सकता है कि एक महीने के अंदर आपको कुछ आपका मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे। जी रूपा जी, वीट को लेकर बात करें तो गेहूं में क्या लगता है? क्या गेहूं में अभी जो प्राइसेस हैं वो करंट वाले ही आगे भी बनी रहेंगे, जिस हिसाब से अभी तक सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं और बाकी देशों की तरफ से जितनी भी डिमांड आ रही है उसको देखते हुए? देखिए, वीट में तेजी का ही रुझान है। हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के बाद भी प्राइसेस जो है ऊपरी स्तर, एक्सपोर्ट बैन होने के बाद भी प्राइसेस जो है वो ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर नहीं है, लगातार प्राइसेस के अंदर जो है सस्टेनेबिलिटी आ रही है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में एक बार फिर से उठाव आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखिए जो डिमांड है वो आगे से फिर निकलती हुई दिखाई दे सकती है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि एक्सपोर्ट को कुछ थर्ड टाइम के लिए अब तक हो सकता है कि गवर्नमेंट खोल दे, क्योंकि जिस तरीके से पोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा माल अटका हुआ है, हो सकता है उतने माल के लिए कोई एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल जाए, तो फिर एक बार प्राइसेस में बूझ पाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, जिस हिसाब से भारत में गेहूं का प्रोडक्शन होता है, हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम बताया जा रहा है, लेकिन रूपा जी देखने वाली बात यह है कि भारत अनाजों में, खासकर कि गेहूं में, हमेशा प्रोडक्शन में सरप्लस ही रहा है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी भारत का अच्छा खासा है। तो ऐसे में अगर भारत एक्सपोर्ट खोल देता है तो क्या गेहूं में फिर से अच्छी तेजी आएगी? देखिए, साइकोलॉजिकल एक तेजी बनती है जब एक्सपोर्ट खुलते हैं और डिमांड पिकअप होती है, तो डेफिनेटली एक तेजी आती है। और जहां तक वीट के प्रोडक्शन की बात है, बिल्कुल 3% के आसपास जो है फॉल देखने को मिला है इस बार प्रोडक्शन में, और ये कोई बहुत ज्यादा जो है वो नहीं है कि कमी आई हो प्रोडक्शन में, ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन अच्छा खासा है फिर भी, और कैरी ओवर स्टॉक भी अच्छे खासे हैं, लेकिन उसके अवज में देखें तो डिमांड भी अच्छी खासी एक्सपोर्ट निकल सकती है। अगर एक्सपोर्ट खोल दिए जाते हैं तो एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो सकती है, लेकिन सरकार ने बैन लगा दिया है ताकि वीट की कीमतें यहाँ पर तेज ना हो, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। और लेकिन हमारे पास तो अच्छा खासा यहाँ पर हमारे पास स्टॉक है, और अगर चाहे तो गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट कर सकती है। ठीक है रूपा जी, एग्री कमोडिटीज में आप वो कौन सी हॉट कमोडिटी चूज करना चाहेंगी जो सबसे अच्छा मुनाफा देगी? देखिए, एग्री कमोडिटीज में अगर बात करें तो अभी फिलहाल देखिए बाइंग के लिए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में ही जाने में बेनिफिट है, कि अगर लंबे समय का किसी का होरिजन हो तभी उसमें बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि इस तरीके के वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में अभी फिलहाल गिरावट में मुझे लगता है कि एक बार बिनोला खल के ऊपर जो है वो सेलिंग रखना चाहिए, 2900 के ऊपर के भाव मिलते हैं, तो वहां पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुला है और आगे कैसा ट्रेड करता नजर आ सकता है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।